नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आज का जो SSC CHSL का जो पेपर हुआ है उसके कुछ मैथ के क्वेश्चन मिले हैं जो कि आज पूछे गए हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि 48 महिलाएँ किसी काम को 56 दिनों में करते हैं तो 18 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में करेंगी। तो दोस्तों, हमें पता है कि 48 महिलाएं कितने दिनों में काम करती हैं, 36 दिनों में। तो एक महिला का काम कितना हो जाएगा, 36 × 48। तो इनका एक दिन का काम आ जाएगा, एक महिला का एक दिन का काम। आगे कह रहा है कि 18 महिला उसी काम को कितने दिनों में करेंगी। तो जब एक महिला 36 × 48 दिनों मतलब काम करती हैं तो 18 महिलाएं कितने दिनों में काम करेंगी। तो 36 × 48 अपन 18 हो जाएगा, बटे में इसको काट देंगे, 18 × 26, तो टोटल आ जाएगा 96 डेज। मतलब जो 18 महिलाएं होंगी वो 96 दिनों में काम पूरा कर लेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य या सूची मूल्य कह सकते हैं 436 हो तथा उस पर 10% व 20% का बट्टा लगाया जाता हो तो वस्तु का सेलिंग प्राइस बताओ, या अंतिम मूल मतलब सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल कह सकते हैं। तो जब भी बट्टा दिया हो, जब डबल बट्टे दिए हों तो उसके लिए इफिशियंसी निकाल लेंगे। तो उसके लिए फार्मूला होता है a + b + a × b / 100, जहाँ पे हम लोग a बराबर मानेंगे -10, क्योंकि डिस्काउंट में हमेशा माइनस लगाते हैं, b = -20। तो ए और बी के मान रख देंगे तो -10 -20 प्लस, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये प्लस प्लस ही रहेगा। फिर 10 × 20/100, ये जीरो से जीरो कटेगा, तो ये आएगा हमारा -30 प्लस, ये कितना बचा 2। तो -30 + 2, तो -30 से +2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -28। मतलब 28% का उसने डिस्काउंट दिया है। तो हमें पता है कि उसका क्या है MRP, कितना है अंकित मूल्य, 100% मानते हैं हम लोग। तो जो डिस्काउंट दिया जाता है वो हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, तो 100 से हम लोग माइनस कर देंगे 28 कर देंगे माइनस। तो आपको पता होगा कि, या कह सकते हैं कि, तो हमारा 72% आ गया, तो SP नहीं है, ये होगा हमारा MRP। तो हमें पता है कि 72% की हमें वैल्यू बतानी है, तो हमें 100% की वैल्यू पता है कितनी है, 436 रुपये, क्योंकि अंकित मूल्य कितना होता है 100% = 436। और 72% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 436 × 72/100, इसको काटेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर 313.92। एक बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि CP को हमेशा 100 मानते हैं, और इसमें अगर कोई प्रॉफिट ऐड कर दें या लॉस को घटा दें तो वो हमारा सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट तभी होता है जैसे कि सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस माइनस CP। मतलब आपने कोई वस्तु को 100 रुपये में ख़रीद लिया और उसको बेच दिया 200 रुपये में, तो इन दोनों का डिफरेंस ही तो प्रॉफिट होगा, तो ये हमारा प्रॉफिट निकल आता है। फिर हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट क्या है, SP - CP। तो इधर से ही हम लोग CP भी निकाल सकते हैं, तो CP = क्या हो जाएगा, SP + प्रॉफिट। तो हमने CP से सेलिंग प्राइस कैसे कन्वर्ट किया, तो प्रॉफिट क्या था, SP - CP, तो सेलिंग प्राइस इधर से निकल आएगा, SP = P + CP, हो गया कन्वर्ट। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।